लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। पुलवामा में आतंकवादी हमले में देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। वहीं मैनपुरी के ग्राम विनायकपुर के लाल राम वकील ने भी अपनी शहादत दी। इस शहादत से पूरे देश को उन पर गर्व है। उनकी कमी उनके पूरे परिवार और उनके मिलने वालों के आंसू को रुकने नहीं दे रही है। परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा है कि राम वकील अभी हाल ही में छुट्टी में अपने परिवार और दोस्तों से मिलकर अपनी ड्यूटी पर वापस गए थे। किसी को कहां मालूम था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात है और इतनी जल्दी उनके शहादत की खबर आएगी। घर पर शहीद की बूढ़ी माँ है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि उनका बेटा उनको देखने को तक को नहीं मिलेगा। शहीद अपने घर पर यह कहकर गए थे कि जब वो अगली बार छुट्टियों पर आएंगे तो अपना खुद का मकान बनवाएंगे। राम वकील तो नहीं आए, पर उनकी शहादत की खबर आ गई। अब परिवार को उनकी याद और उनके बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। भाई साहब, हमारा नाम सुखवीर है। अच्छा, राम वकील जी के साथ में आपने कैसा, आपके साथ में रहे हैं क्या? शुरुआत में वॉलीबॉल के जाना इच्छुक रहे और उसके बाद उनकी नौकरी की भी तमन्ना थी और कुछ ही क्षणों में वो अपनी नौकरी में विलीन हो गए और ज़्यादातर वो केंद्र की नौकरी पसंद की। आपके साथ में उन्होंने बचपन गुजारा या गुजारा है, तो क्या उनकी नेचर जल के लिए कैसा रहे? नेचर के लिए बहुत अच्छे थे वो, हर किसी को सुखी देखना चाहते थे, किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे वो। हमेशा किसी को परेशानी है तो उनके साथ रहते थे, उनके साथ हमेशा चलते थे, कोई जो दिक्कत हुई तो उसके साथ लग देते थे। अच्छा, किस खेल में उनकी रुचि ज़्यादा रहती? उनकी वॉलीबॉल में ज़्यादा रुचि थी खेलने के, और सबको खिलाते थे भी साथ में। जैसे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया अपने हम और साथियों को, तो साथ में ले गए वहाँ पर खेला कूदे, बस ये खेल पसंद था हमें। अच्छा, आपके साथ जो बचपन कैसा वकील जी के साथ में बीता है और क्या पूरा? वकील जी बचपन से हमारे दोस्त थे, उनका स्वभाव बहुत ही मिलजुल का था, हर किसी से हंसती मिलना, बड़ों को सम्मान देना, बराबरों को बराबर अधिकार देना, उनका सम्मान, बहुत ही हसमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी से उनका कोई विरोध नहीं था सर। अच्छा, उन्होंने ये सेना क्यों चुनी थी, क्या उनका बचपन का एक, आप साथ में रहे हो सर, उनका एक जज्बा था। उनका यहाँ पर जो गांव में मकान बना हुआ है, शुरू में बना हुआ था, तो उस समय उसके लिए बांस बल्ली वो करेन से सर लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रजेश चल बांस बल्ली करेन डालें, तो गए इधर से, तो बांस बल्ली डालने के बाद सर थोड़ा लेट हो गए, तो वो बोले, मैंने बोला भाई अब कैसे चलेगा, मुझे भूख भी लग रही है, बोला चल सीधे निकलते हैं। तो ये मान के चलिए सर, उन्हें ये जज्बा था कि करेन से विनायकपुर 9-10 किलोमीटर की दूरी तो हम भाग के कर देंगे पार। तो मैंने कहा भाई तुम तो कर दोगे, हमसे तो नहीं भागा जाएगा भाई, तेरे तो पैर लंबे लंबे हैं। लेकिन उसने कहा जब तू जब थक जाएगा तो हम तो ये कंधे बैठा लेंगे सर करेन से विनायकपुर तक, ऐसा जज्बा था कि दौड़ के वो आए। तो हमने कही तुम तो भाई देश के सिपाही बनोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, आपसे लास्ट टाइम कब बात हुई थी? लास्ट टाइम सर अभी हमारी ईमान के चलिए क्यों कहें सर, क्योंकि अब इटावन के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और हम भी अपने घर गृहस्थी में फंस गए सर, तो अभी मेरी मुलाकात उनसे 4-6 महीने से नहीं हो पाएगी, ये छुट्टी उनकी कट गई, नहीं मिल पाएगी, ये मेरा दुर्भाग्य।